दक्षिण कोरिया के शो स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर चुपके से एंट्री ली थी, मगर इसकी कामयाबी का शोर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स को थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को। और अब पहले सीजन की कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हां गाइस, मेकर्स ने यह जानकारी दी है कि जल्द ही इसके दूसरे सीजन का ऐलान हो सकता है। गाइस, आप सभी स्क्विड गेम्स के सीजन 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में यूएन की जलवायु परिवर्तन पर जारी COP26 की बैठक में तुवालू के विदेश मंत्री एक अनोखे ढंग से भाषण देते हुए नजर आए। उन्होंने सूट टाई पहने हुए समंदर के पानी में खड़े होकर स्पीच दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुवालू देश की इस सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक पानी में डूबने की आशंका है, और यही चेतावनी देने के लिए उन्होंने समंदर के पानी में खड़े होकर लोगों को अवेयर किया। गाइस, आपको क्या लगता है, तुवालू जैसे देशों को बचाने के लिए हम मानव जाति को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।